पहले चरण में मध्य प्रदेश के 11 नगर निगमों के मतदान के बाद उनके परिणाम भी सामने आ चुके हैं। 11 नगर निगम में एक महत्वपूर्ण नगर निगम उज्जैन रहा, जहां का परिणाम काफी दिलचस्प रहा। यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच एक करीबी मुकाबला देखने को मिला और भाजपा के मुकेश टटवाल ने सिर्फ 923 वोट से कांग्रेस के महेश परमार को शिकस्त देते हुए ये मुकाबला जीत लिया। इतने नजदीकी मुकाबले में कई बार अफरा तफरी, आरोप प्रत्यारोप और हंगामे की स्थितियां भी निर्मित हुईं। कांग्रेस की आपत्ति के बाद कलेक्टर के द्वारा यहां रीटोटलिंग भी करानी पड़ी, जिसमें भाजपा ने इस मुकाबले को जीत लिया। उज्जैन शहर में एक बार फिर बीजेपी का कब्जा हो गया। भाजपा प्रत्याशी मुकेश टटवाल की जीत के बाद कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने रीटोटलिंग के आदेश दिए थे। जीत का अंतर 923 वोट रहा, इसलिए कई बार तनाव की स्थिति भी निर्मित होती रही। भाजपा प्रत्याशी को 1,34,240 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 1,33,317 वोट मिले हैं। इतना ही नहीं, भाजपा ने वार्ड स्तर पर भी बड़ी जीत दर्ज की है। भाजपा ने यहां के 50 वार्डों में से 37 पर कब्जा किया, जबकि 17 वार्ड सिर्फ कांग्रेस जीत पाई। भाजपा के महापौर बने मुकेश टटवाल ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, हमारे 37 पार्षद जीते हैं, महापौर जीता है। हमारे उज्जैन के नागरिकों ने, हमारे आशीर्वाददाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है, उनके लिए प्रति आभार और धन्यवाद। देखिए, अभी जो प्रारूप 22 है उसकी घोषणा कर दी गई है सभी पार्षदों के लिए भी और महापौर पद के लिए भी। इसके अलावा 15 मिनट का समय आपत्ति के लिए दिया गया था। जो आपत्तियां अभी प्राप्त हुई उनका निराकरण किया जा रहा है। पार्षदों का जो सर्टिफिकेट वितरण है अभी 2 मिनट में चालू होने वाला है, और उसके बाद फिर महापौर पद का जो सर्टिफिकेट है उसको बांटा जाएगा। सर, महापौर के लिए जो आपत्ति आई थी उसका निराकरण किया? देखिए, महापौर पद के लिए 2 आपत्तियाँ थीं। एक तो टेबुलेशन में गलती बताई गई थी कि उसमें जो टेबुलेशन है उसके हिसाब से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने पूरा जो टेबुलेशन है, जितने भी 568 के आसपास हमारे मतदान केंद्र हैं, उनके उन सभी में किस किस प्रत्याशी को कितने कितने वोट मिले हैं, वो पूरी 64 पेजेस का जो लिस्ट है वो हम लोगों ने दोनों पार्टीज को उपलब्ध करा दी है। वो उससे अपने जो फॉर्म 21 है उनसे मिलान कर सकते हैं। पुनर्मतगणना के लिए आपत्ति प्राप्त हुई उसका निराकरण किया जा रहा है, लेकिन प्रथम दृष्टया कोई भी इस प्रकार से आधार उसका नहीं पाया गया है। जितने भी हमारे बूथ वाइज और मशीन वाइज जो परिणाम है वो घोषित किए गए हैं, उसमें सभी पोलिंग एजेंट्स के भी सभी पार्टियों को साइन है, सभी के जो काउंटिंग एजेंट है उनके भी साइन है, इसीलिए पुनर्मतगणना का कोई भी प्रथम दृष्टया आधार नहीं प्राप्त हुआ।